हेलो दोस्तों, मैं सत्यन सिंह। आज देखते हैं हम लोग पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा वर्क पावर एंड एनर्जी का, हम लोगों ने दो पार्ट देख लिया है। उम्मीद करता हूं कि लगभग कार के बारे में आप लोग जान गए होंगे। हमने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी आपको बताया था। अब अगले तीसरे पार्ट में देखते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि W बराबर F इंटू S, इस पर हम लोगों ने सवाल किया। हमारे पास एक फार्मूला और है, W इक्वल टू F इंटू S cos थीटा। अब उसी पर हम लोग सवाल देखते हैं। हमने कहा एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, कितने न्यूटन का बल? 10 न्यूटन का। अब बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। तो यहां पर F बराबर 10 न्यूटन, फोर्स का मान कितना हो गया? 10 न्यूटन। 60 अंश के कोण पर, 60 अंश, और कोण का हम लोग थीटा से लिखते हैं, थीटा बराबर 60 अंश। 60 अंश के कोण पर लग रहा है बल, लगाने से उसमें 12 मीटर का विस्थापन हो। 12 मीटर क्या होता है? विस्थापन होता है। तो विस्थापन को हम लोग किससे लिखते हैं? एस से। 12 मीटर का विस्थापन होता है। अब जरा देखते हैं कि अगर 12 मीटर का विस्थापन होता है तो कह रहा किया गया कार्य, वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, अर्थात किसका मान निकालना है? W। हमारे पास फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। कोण कितना है? एंगल थीटा का मान कितना है? 60 अंश। और जो विस्थापन है वो कितना है? 12 मीटर। और यहां पे हमें क्या निकालना है? W। आइए अब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं मान। तो हम लोग जानते हैं W इक्वल टू F इंटू S cos थीटा। तो F का मान कितना है? 10। S का मान कितना है? 12। और यहां से cos थीटा, थीटा का मान कितना है? 60। तो एक चीज जरा देखते हैं, हमने कहा यहां से कार कितना होगा, तो जरा देखिए 10 इंटू 12 गुणते cos 60 का मान 1/2 होता है। कार 60 का मान 1/2। अब यहां से हमने क्या किया? काट दिया, 2 × 12, तो कितना हो गया? 10 × 6 और 10 × 60, तो कार यहां कितना गया? 60 जूल। सिंपल सा है, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं, कार के बारे में कुछ और देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने कहा कि W बराबर F S cos थीटा, ये फार्मूला। यहां पे तीन पैरामीटर है, पहला नंबर फोर्स, दूसरा नंबर डिस्प्लेसमेंट और तीसरा नंबर एंगल। इसका मतलब अगर इन तीनों में से किसी का भी मान अगर बदल गया तो W का मान चेंज हो जाएगा। अगर इन तीनों में से मैं किसी का भी मान बदल दूं, फोर्स का मान बदल दूं, विस्थापन का मान बदल दूं या कोण का मान बदल दूं, तो यहां पर कार प्राप्त होने वाला जो कार है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहां पर हम लोग केवल और केवल थीटा को देखते हैं, एंगल। तो यहां से हम लोग देखते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। यहां पर देखते हैं, हमने कहा जब थीटा बराबर कितना हो? 0 अंश। थीटा बराबर 0 अंश का मतलब क्या है? कि कार्य करने वाला जो बल है और विस्थापन, मतलब बल और विस्थापन एक दूसरे के अनुदिश हो। क्या हो? अनुदिश, मतलब एक ही दिशा में लगने वाला बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। मतलब अगर मैंने कह दिया ये वस्तु है, ये वस्तु है, बल इधर लग रहा है तो विस्थापन भी किधर हो रहा है? इधर। या हम कह सकते हैं, सवाल में ऐसे ही देता है,
या फिर हम कह सकते हैं बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर। जब दो चीजें एक ही दिशा में अप्लाई होती है ना, तो उनके बीच का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो क्या होता है? 0 डिग्री। या दो चीजें जब एक दूसरे के समांतर होती है, तब भी उनके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री। तो थीटा बराबर यहां से क्या हो गया आपका? 0 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं कार कितना होगा। तो एस कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है? 0। और कॉस 0 का मान होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो यहां से हम लोग देखेंगे एफ एस इंटू 1, एफ एस इंटू 1, और यहां से क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क, अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य, इसी को हम लोग मैक्सिमम वर्क कहते हैं। अब यहां पर एक चीज देखते हैं, और यहीं पर हम लोग कहेंगे कि धनात्मक कार्य, क्या कहेंगे? धनात्मक कार्य, या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। तो हम कह सकते हैं कोई वस्तु है वो अधिकतम कार्य कब करेगा? तो सीधा सीधा बात, जब बल और विस्थापन की दिशा क्या हो? सेम हो, दोनों एक ही दिशा में कार्यरत हो, तब क्या होगा? प्राप्त होने वाला जो वर्क होगा वो क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। और कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, इसका मतलब 90 अंश का थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। इसका मतलब क्या है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के, इनके बीच का जो कोण है वो कितना होना चाहिए? 90 अंश। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश। और 90 अंश को ही हम लोग कहते हैं लंबवत, परपेंडिकुलर। जैसे मैंने कहा ये आपका फोर्स है और ये क्या है? विस्थापन। तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 90 अंश। तो हम कह सकते हैं बल विस्थापन क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, या बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हो, तब क्या होगा? जरा देखते हैं। तो हमने कहा यहां से W बराबर आपका F S cos थीटा, थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। और हम जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो हम यहां मान को रखते हैं F इंटू एस कितना? 0। तो W का मान कितना हो गया? 0। W का मान क्या हो गया? 0। अर्थात प्राप्त होने वाला जो कार्य है वो क्या हो गया? 0। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? 0 वर्क, शून्य कार्य, शून्य, ये 0 वर्क हो गया। ठीक है, और ये कंडीशन कब आता है? जैसे आप अपने सिर पे बोझा रख लिया, जैसे कूली सामान उठेगा तो अपने सिर पर रखता है। तो कूली ने अगर सामान को सिर पर रख लिया तो जो पूरा बोझ है, जो लोड है, वो कहाँ नीचे क्यों कार्यरत होगा? और कूली लेके ऐसे सीधे डायरेक्शन में चलता है। मान लो
ये बोझा है, लोड है, और यह पूरा कहां कार्यरत होगा, यहां पर, और कूली सामान ले कैसे जा रहा है, ऐसे। ये तो दोनों के बीच का कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब कूली द्वारा किया गया कार्य क्या है, सोच, अब पैसा मत देना। तो अगर वस्तु आपका अगर वस्तु पर कार्यरत बल लगने वाला फोर्स और उसके बीच के जो विस्थापन है अगर एक दूसरे के लंबवत हो जाए तो किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य, जीरो। अब केस थर्ड देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, हमने कहा केस थर्ड जब थीटा क्या हो, जब थीटा 180 हो, थीटा का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 180 अंश, तब क्या होगा। तो 180 कब होता है, तो हमने कहा ये इधर है और ये इधर है, मान लो ये फोर्स है और ये क्या है, विस्थापन। तो दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना हो गया, 180 अंश। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत ना, तो हम कह सकते हैं जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत कार्यरत हो, मतलब कार्य कर रहा हो, जब वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन एक दूसरे क्या हो, अपोजिट हो, विपरीत हो, तब क्या होगा। तो जरा देखते हैं, तो यहां से W बराबर क्या होगा, F S cos थीटा का मान कितना है, 180। और हम जानते हैं कि cos 180 का मान -1। तो यहां अगर हम मान को रखते हैं, वैल्यू को रखते हैं, F S into -1 क्या हो जाएगा, -F into S। तो जो प्राप्त कार्य है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। तो तीन चीजें निकल के आई, जब दोनों के बीच का कोण जीरो अंश हो तब जो हमें वर्क मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम वर्क होगा, और जब इनके बीच का कोण 90 अंश हो तब जीरो वर्क होगा, और जब इनके बीच का कोण 180 अंश होगा तो क्या होगा, निगेटिव वर्क। ठीक है, अब वर्क का लास्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क।